लखनऊ महज एक शहर नहीं है, मिजाज है। लखनऊ की हवाओं में प्यार भरा है, यहाँ की फिजा में संगीत की सुमधुर स्वर लहरियाँ सुनाई देती हैं। ये दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से है जो गोमती नदी के दोनों किनारों पर आबाद है। लखनऊ की शामें तो दुनिया में मशहूर हैं, हजरतगंज का एक चक्कर लगा लीजिए तो मज़ा आ जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कई मायनों में खास है। इस शहर को अदब और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लखनऊ को अदब और तहजीब का शहर आखिर क्यों कहते हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जिसे आज हम लखनऊ कहते हैं, उसे पहले कभी अवध कहा जाता था। हालांकि अवध की सीमा वर्तमान लखनऊ से ज्यादा बड़ी थी। प्राचीन काल में अवध की राजधानी अयोध्या थी, बाद में फैजाबाद और उसके बाद लखनऊ हो गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में है। ना ये पूर्वी राज्यों जैसे बिहार झारखंड के करीब है और ना ही पश्चिमी राज्यों जैसे हरियाणा राजस्थान के करीब। बात करें यूपी की तो यूपी अपनी परिसीमा दक्षिणी मध्य प्रदेश से भी साझा करता है और नेपाल से लेकर लखनऊ तक यूपी की परिसीमा काफी दूर दूर तक है। इसलिए यहाँ खड़ी हिंदी बोली जाती है। किसी भी तरह की विशेष बोली, सुर या लहजा यहाँ ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। शुद्ध हिंदी का विकास यहाँ पे खास तौर पर हुआ, इसलिए दूसरा कारण भी इसी के समान है। नवाबों के शहर लखनऊ को शिराज-ए-हिंद भी कहते हैं। यहाँ नवाबों की राजकीय भाषा फारसी और उर्दू थी। नवाबों के मशहूर कवि और शायर इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये हिंदी से अनजान नहीं थे, हिंदी पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इसलिए यहाँ की बोली में हिंदी और उर्दू दोनों का ही संगम है, जो सुनने में बड़े ही मधुर लगते हैं। यहाँ की तहजीब भी उर्दू फारसी लहजे से ही आती है। खैर, भाषा तो हर जगह की खूबसूरत होती है, बस उसको बोलने की कला और अदब लोगों पर निर्भर करता है।